रेनबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, यहाँ पे हमें कुछ डिविजन करना है। ठीक ना, तो देखिए 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से अगर 0.4 को हमें डिवाइड करना है। ठीक ना, तो देखिए पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे 0.0 आ गया। ठीक ना, अभी यहाँ पे देखिए अगर पॉइंट इन्वॉल्व है तो पॉइंट बैठा दिए, इसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ गया 0.4, तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर क्या है, आंसर है 0.2। ठीक ना, इसको करने का और एक तरीका है, कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 0.4/2, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे तरीके से करिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला प्रेफरेबल है, आप उसी ही कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 0.35/5, तो 5/0.35। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पे पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अभी देखिए 3 को डिवाइड कर पा रहे हैं, 3 को हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर भी और एक जीरो बैठेगा, इसके बाद यहाँ पे 7 होगा, तो ये हो जाएगा 35। ठीक ना, ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपको ना ये करने में आपको ये जीरो के उस पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब आसान तरीका ऐसा है कि आप ऐसे देखिए 35 हो गया बाय 100 × 5, आप ऐसे लिखिए, तो यहाँ पे देखिए 5 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7। तो देखिए यहाँ पे नीचे 100 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.07। आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक ना, आपको जो प्रेफरेबल है आप उसे कीजिए। जैसे देखिए आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 4/2.48। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे हम 2 को तो 4 से डिवाइड नहीं कर पाए, तो 24 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आ गया। देखिए 24 मतलब यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ गया 8, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 0। ठीक ना, तो आपको आंसर क्या मिल गया, आंसर आपको मिल गया 0.62। अभी अगर इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, तो 0.248/100 × 4। ठीक ना, तो इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया 62। तो देखिए हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 651.2/4। ठीक ना, 4 से डिवाइड करना है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ये। ठीक ना, तो देखिए 6 तो यहाँ पे 1 जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे आ गया 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 24, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक ना, तो 1 आया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 8, तो 3 2। देखिए यहाँ पे पॉइंट इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइए और ये आपको यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिला, आपको आंसर मिला है 162.8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 14.49/7। ठीक ना, तो 7 से डिवाइड करना है, तो 14.49 आप इसको ध्यान से करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे आ गया 2, तो 14। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइए, 4 है यहाँ पे आ गया, 4 डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लाएंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 7, तो ये हो गया 49। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया है 2.07। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 65.4/6। तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 65.4। ठीक है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 6, 5, देखिए 5 डिवाइड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इसका पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइए, तो पॉइंट के बाद आ गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 54, यहाँ पे 0। आप इसको दूसरे प्रोसेस से चेक भी कर सकते हैं। ठीक ना, अगर आपको गलती लगता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3.996/4। तो यहाँ पे 4/3.96, देखिए यहाँ पे नहीं जाता, तो हमें 3.9 मतलब उसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट आप बैठा दीजिए, तो इसके बाद आप यहाँ पे दीजिए 9, तो यहाँ पे हो गया 36, तो यहाँ पे आ गया 36, ये दोबारा 9 होगा,
तो आपको आंसर क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया है 0.99। ठीक ना, आप अगर चाहे तो दूसरे पर से हम चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे पर से चेक कर ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 396 डिवाइडेड बाय 100 के पहले पॉइंट था, तो यहाँ पे 100 आएगा इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 99, तो ये आ गया 0.99। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखिए 0.80, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.80, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद का नंबर हमें चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 0., तो यहाँ पे 8, यहाँ पे जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 30, तो यहाँ पे 6 बैठाएंगे तो ये हो गया 30। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या है, आंसर है 1.6। ठीक ना, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, हमें 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। आपको याद होगा कि हमने पढ़ाया था कि जब मतलब कोई भी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक ना, तो कितना डिजिट शिफ्ट करेगा वो डिपेंड करता है 1 के बाद कितने जीरो है। अगर 1 जीरो है तो 1 डिजिट शिफ्ट करेगा, अगर 100 है तो 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, 1000 है तो 3 शिफ्ट करेगा। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेगा, 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा एक डिजिट शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.48। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखिए 52.5 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 5.25। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए 0.7 डिवाइड बाय 10, एक डिजिट शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.07। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए 33.1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 3.31, एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। ठीक ना, इसका नेक्स्ट देखिए 272.23 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 27.223। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए 0.56 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे देखिए जीरो है, तो ये हो जाएगा 0.056। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसे देखिए 3.97 डिवाइड बाय 10, तो एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.397। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें क्या करना है, बस एक अगर 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल प्लेस जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। बस आप इतना याद रखिए और आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 2.7 डिवाइडेड बाय 100। ठीक ना, यहाँ पे है ना, हम 100 से डिवाइड करें मतलब 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है मतलब 2 नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे ना आप एक 0 बैठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.027। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट देखिए 0.3 डिवाइड बाय 100। ठीक ना, यहाँ पे देखिए 0 है, तो अब और एक 0 बैठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.003। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए 0.7 डिवाइड बाय 100, तो देखिए यहाँ पे 0 ही है, तो आप और एक 0 बैठा ही सकते हैं, तो 0.0078। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 432.6 डिवाइडेड बाय 100, बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट करेगा, तो 4.326। ठीक है, इसका देखिए 23.6 डिवाइड बाय 100, तो 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.236। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए 98.53 डिवाइड बाय 100, तो 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0.9853। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 एपी कंप्लीट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जो है ना, हम 1000 से डिवाइड करें, तो 1000 से डिवाइड में क्या होगा, वैसे सेम प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ डेसिमल जो पॉइंट है ना वो 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 7.9 डिवाइड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा कि आपका जो है ना 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आप 2 0 बैठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.0079। ठीक है, तो इसका देखिए 26.3 डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पर 23, तो आपको 3 प्लेस चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.0263। ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हमें 3 प्लेस शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है और इसके पहले हमने एक 0 बैठा लिया। ठीक है,
तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 38.50 डिवाइड बाई 1000, ठीक ना। तो देखिए 38, तो यहाँ पे हमें तीन मतलब जो पॉइंट प्लेस डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.03853, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए 128.9 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पे थ्री प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.1289, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखिए 0.5 डिवाइडेड 1000, तो थ्री प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.0005, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल जो नंबर से हम डिवाइड करें, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे डिवाइड बाय 3.5, तो इसको क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 3.5, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट उठेगा, तो यहाँ पे इंटू 10 आ जाएगा, मतलब हो गया 70 बाय 35 से अगर 70 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर क्या मिला हमें, आंसर मिला 2, बहुत ही सिंपल था। इसका नेक्स्ट देखिए 36 डिवाइडेड बाय 0.2, तो देखिए यहाँ पे 36 बाय 0.2 था, तो यहाँ पे अगर पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हो गया 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक ना। तो यहाँ पे एक जीरो बैठाइए, तो देखिए दो प्लेस यहाँ पर भी दो प्लेस सेम नंबर पे मतलब डेसिमल प्लेस में पॉइंट है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट उठ जाएगा, ठीक ना। आप इसको 5 से डिवाइड करिए, तो ये हो गया 10 और ये हो गया देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6.5, देखिए 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो इसके बाद देखिए 30.94 डिवाइड बाय 0.7, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 30.94 और यहाँ पे है 0.7, ठीक ना। तो आप यहाँ पे और एक जीरो बैठा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी जीरो का टू डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल के बाद टू डिजिट है और यहाँ पे डिसिमल का टू डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट जो है ना उठ जाएगा। तो इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 15.47, ठीक ना। तो ये है ना 7, ये 7 से डिवाइड जाता है, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7 से डिवाइड करें हम, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 1, तो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा देखिए 420, तो यहाँ पर भी 4 2, ठीक है। तो आंसर क्या मिला 44.2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, तो 0.5 और 0.25, तो आप यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए, टू डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट का टू पॉइंट टू डिजिट, तो ये कट हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हो जाएगा 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25, तो यहाँ पर भी टू डिजिट का टू डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट का टू डिजिट है, तो ये हो जाएगा। तो 5 से आप डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 7, तो ये हो गया 5 2 5, तो ये हो गया 5, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 1, तो आंसर हमें क्या मिला 31, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये हो जाएगा 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, तो यहाँ पर भी आप एक जीरो बैठाइए और दोनों का एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 3 और ये हमें देखिए 5 से डिवाइड करें, तो ये यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 3 0, तो देखिए ये 3 से डिवाइड जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 510, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 37.8/14, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट उठेगा तो यहाँ पे 10 into हो जाएगा, ठीक ना। आप पहले देखिए ये जो नंबर है 7 से डिवाइड जाएगा, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया देखिए यहाँ पे 5 2 8, तो ये हो गया 4,
तो दोबारा हम टू से डिवाइड, टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 27, तो ये हो गया 2.7, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए हमसे गलती हुआ, यहाँ पे असल में पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ पे ना जीरो, यहाँ पे 10 नहीं होगा और आपका आंसर हो जाएगा 27। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 10 इंटू क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना हम पॉइंट, हमें यहाँ पे पॉइंट देखा, यहाँ पे पॉइंट नहीं देखा था, हम क्वेश्चन में गलती लिखे थे, आप इस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2.73 डिवाइड बाई 1.3, तो यहाँ पे हो गया 2.73 बाई 1.3। देखिए यहाँ पे डेसिमल का 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए दो दो, तो यहाँ पे अब कट हो जाएगा। देखिए ये नंबर जो है ना 13 से डिवाइड जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, 1, तो हमें क्या मिला 2.1, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ व्हीकल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है इन 2.4 लीटर कार ट्रेवल, कार कितना ट्रेवल करता है, कार हमारा ट्रेवल करता है 43.2 किलोमीटर, ठीक है। तो एक लीटर में वो कितना ट्रेवल करेगा हमें ये ना पता करना है, कार ट्रेवल, ठीक ना। तो यहाँ पे 43.2 बाई 2.4 किलोमीटर क्योंकि डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम मतलब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो ये ना कट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1, इसके बाद 0, 8, ठीक ना। दोबारा हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं तो 108 बाई 6 किलोमीटर, तो इसको हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमें मिलेगा 148, तो यहाँ पे आ गया आपका 8, तो आंसर हो गया 18 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ए पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको इसे समझ में आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कम से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जब करेंगे आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।